अब जगह खोजना पड़ेगा, मैं नीचे जाऊं कैसे? आते टाइम तो भाई इजीली चढ़ जाता है इंसान, बट उतरते टाइम पे पैर फिसलने का डर होता है। तो ये जगह भी आप देखो पहलगाम का कितना अच्छा है। जू जो है कुछ ऐसा बन रहा है, ये अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे, ऊपर जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल में आप ये देखो, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम घूम के यहीं जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम तो वो कर दूँगा। तो यार मैं अभी आया था यहाँ पे कश्मीर घूमने के लिए, पहलगाम में आया हूँ अभी मैं। देखो आपको लोकेशन दिखाता हूँ, नज़ारे कुछ ऐसे हैं ये, और पीछे का आप देख सकते हो ये। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आप कश्मीर से आ सकते हो। जैसे आप दिल्ली से अगर आ रहे हो तो दिल्ली से आप डायरेक्ट श्रीनगर की फ़्लाइट ले सकते हो, और श्रीनगर से आप फिर यहाँ पे आने के लिए तबेरा या फिर छोटी बसें मिलती हैं, वो बस लेके आप अनंतनाग नाम की एक जगह है जिसको इस्लामाबाद भी बोला जाता है, तो आप वहाँ तक आओगे, और वहाँ से फिर आपको यहाँ तक ही पहलगाम तक की वही तबेला या फिर छोटी वाली बस मिल जाती है, जो कि किराया लगभग 100 रुपये के आसपास आपको किराया लेगी और आपको लाके यहाँ पे पहलगाम में छोड़ेगी। तो अगर आप कभी प्लान कर रहे हो पहलगाम, यार सच बता रहा हूँ बहुत घूमने वाली अच्छी जगह है ये। यहाँ पे आ गया ना मन खुश हो जाता है। आप अकेले आओ या फिर दोस्तों के साथ में आओ, आपको दिखाऊँगा मैं। देखो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर फ़िलहाल में, ये तो आप खुद ही देख सकते हो कैसी प्लेस है ये। यार सच में यार जो कहा जाता है ना कि कश्मीर का जन्नत है, मतलब सॉरी इंडिया का जन्नत है, ये है यार सच में है। मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ जब भी आपको टाइम मिले। वैकेशन मनाने के लिए अभी लोग मनाली भी जा सकते थे या फिर उत्तराखंड भी जा सकते थे, बट वहाँ के लिए क्या है ना कि अभी क्राउड ज़्यादा हो रहा है कोरोना के टाइम पर। तो कोरोना के टाइम पर अगर आप प्लान कर रहे हो इस टाइम कहीं जाने का तो वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है तो वहाँ पर ख़तरा भी ज़्यादा है। तो ये ऐसा एक एरिया है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो आप खुद ही देख सकते हो ये कैसी जगह है। मैं वैसे यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया कि मैं खुद ही पैदल घूमूंगा, बट यहाँ के ऊपर काफ़ी ऊपर तक आप जा सकते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ भी जाऊँगा क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर करना था और खुद खुले में घूमना था, तो मैंने पैदल ही रेकमेंड किया। अदरवाइज़ आपको मैं दिखाता हूँ, आप वहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ, वो जो नीचे पुल दिख रहा है वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे उस पुल के पास में आपको मिल जाएंगे घोड़े वगैरह मिल जाएंगे जो कि 500-500 रुपये लेते हैं। तो वहाँ से लेके इस साइड से होते हुए इस साइड से आएंगे यहाँ से, और इस साइड से ऊपर जाते हुए ऊपर जाना होता है। तो ऊपर काफ़ी और भी ऊपर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर बादल वगैरह और पहाड़ की ऊँचाई से और अच्छा मतलब व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी यहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ से होने के बाद यहाँ से एक जगह है पास में ही है अशमुकाम नाम की, जहाँ पे आपने गाना सुना होगा बजरंगी भाईजान में भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, जहाँ पे वो गाना शूट हुआ है वो यहीं पास में ही है वो लोकेशन। तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा इस वीडियो के बाद, यहाँ जब कम्प्लीट कर लूँगा, यहाँ एक्सप्लोर कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ के बाद मैं वहाँ जाऊँगा।
तो आप वीडियो के साथ वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप ऐसी जगह, इससे भी अच्छी जगह है वो, तो वो आपको मैं वो दिखा सकूँ। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह हुई है, तो अभी इतना तो नॉलेज है नहीं। देखो जैसे कि मैं यहाँ बैठा था अभी फ़िलहाल में, ये जगह है, ये देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे कुछ करके। तो अभी मैं यहाँ से जाने का ही सोच रहा हूँ, ऊपर जाऊँगा फ़िलहाल और आपको दिखाऊँगा कि कैसी जगह है। तो चलो चलते हैं।